बैठ के चलाते 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 जब दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा हाँ, तब वो रबड़ी बना। ये रबड़ी कहाँ मशहूर थी? फैजाबाद में। फैजाबाद में रीडगंज। अच्छा अच्छा, तो वो उसका दुकान का क्या नाम है जो इतनी खास रबड़ी बनाता है? रबड़ी राम आश्रय। राम आश्रय, राम आश्रय, राम का पेड़ा। पेड़ा और रबड़ी दोनों मशहूर है। बड़ी भीड़ लगती है। अच्छा, आज भी है। आज भी है। और माली उतना बनाता है कि खत्म हो जाता है। अच्छा। सुबह तक बनाएगा, बाकी नहीं बचेगा। आपने बोला था चाट, किसका चाट? महावीर की टिकिया। ये कहाँ पे है? महावीर लकाबगंज चौराहा। फुटपाथ लगाते थे। फुटपाथ। अच्छा अच्छा। अब का लड़का है। और रात में लगती थी, दिन भर नहीं लगती। अच्छा अच्छा अच्छा। और रात में लगती थी, लोग नंबर लगा के खड़े नंबर लगा खड़े होते थे। अरे वाह। अगर आप खाने चले गए तो आधे पौन घंटे एक घंटे बाद नंबर आएगा। अच्छा। अरे वाह। नंबर देते थे, देखते नहीं थे खाते। जी जी जी। नंबर से ही देते थे तब। जो भी जाता था आवाज देता था भैया, तो वो आवाज के हिसाब से समझ जाता था ये कब आया। सही बात। और टिकिया हो गया, और आपने बोला समोसे किसके? समोसे ये राम जी के समोसे। तो ये खासियत क्या है राम जी के समोसे का? ऐसा जो चलने की स्टाइल होती है ऐसे, जैसे आप समोसा किसी का लीजिए, जब आप ऊपर से फाड़ेंगे तो अंदर की परत कच्ची निकलेगी। आलू का ऊपर का वो निकलेगा। कोई आलू का बनाता है, कोई कुछ बनाता है। समोसे में तो मेन स्टाइल पकना होता है ना, खीरी आज के ऊपर जितना वो पकेगा उतना ही बढ़िया होगा। राम जी का समोसा जो है वो बहुत मशहूर है। आज भी जाइए देखिए, शहर के बाहर है, लाइन लगी रहती है। अरे तो कहीं वो 4 घंटा घर में होता ना तो अभी वहाँ पे लगा था ना, एक वहाँ पे रश्मि स्कूल पास, उसका भी नहीं बचता। नहीं तो 4 घंटा लगाता है ऐसा, तो घंटा घर वाले भी लगाता है। नहीं बन जाता टेढ़ी गली वाला। जहाँ सबसे मशहूर समोसा मिलता है वो बताइए। राम जी। राम जी का। राम जी का। अरे वाह। लाइन लग के खाना है तो वहाँ लाइन लगती है। और इधर बनेगा हाँ, इलाहाबाद अली रोड जाता है। इलाहाबाद अली रोड। इलाहाबाद पे। इलाहाबाद अली जो रोड पहले डाबर से। अरे यूनिवर्सिटी ऑफिस है। ये स्वाद है समझो फैजाबाद का, यही टेस्ट है फैजाबाद। तहजीब और टेस्ट के मामले में फैजाबाद की कोई पा नहीं सकता, क्योंकि तो तहजीब भी अलग है फैजाबाद की। अच्छा, यहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं। कोई भी मुसलमानों को किसी भी दुकान पे खाने पीने पे परहेज नहीं। अरे वो तो सबसे बड़ी चीज है। और बहुत बढ़िया हर जगह जाते हैं। अब ये राम जी का समोसा हम लोग खाने वाले को पूरा घर पे निकलते हैं। इसमें कभी होना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या अंतर है भाई? हमारा तो गाड़ी खून तो एक ही है ना। दुकान पे लाके खाते, कभी खाने पीने में कोई परहेज भी नहीं रखा फैजाबाद। हाँ समझ गए, खाली धर्म परिवर्तित है। बस बस बस, और कुछ नहीं है। कोई बाहर से नहीं आया? नहीं बाहर नहीं आया। सब सब सही बात। खाली पूजा पद्धति उनकी है। बस बस जी 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 जी। अरे पूजा पत्र भी आप एक हिसाब से बैठ के पूछिए तो बहुत मिलती है। बहुत मिलती है। बहुत मिलती है। जी जी। देखिए हम सफेद कपड़ा पहन के खाने का बैठा 7 चक्कर लगाते हैं। हाँ, आप पीला कपड़ा एक पहन के 7 चक्कर लगाते हैं मंदिर का। जी, आप जी, बता दीजिए कितनी है। हाँ हाँ सही बात है। आप भी पत्थर को चूमते हैं, हम गाँव में वहाँ पे भी एक पत्थर है उसको भी हम चूमते हैं। जी 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 जी। आप भी सब कुछ करने के बाद ऊपर वाले पे दुआ मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। बिल्कुल। और क्या करते हैं बताइए? जी जी जी। आप दुआ में क्या कहते हैं बताइए भाई? क्या कहते हैं? हमारे ऊपर, हमारे घर वालों पे, हमारे भाइयों पे, हमारे हिंदुस्तान पे, हमारी कौम पे जितनी परेशानी मुसीबतें आई कितना अच्छा है, कितना अच्छा बात कर रहे हो। दूर कर दे। अरे वाह। हम तो ये कहते हैं कि मेरा काम बढ़िया हो जाए, पास हो जाए, हर मालिक को लड्डू चढ़ा देते हैं। जब तक आपकी दुआ ही नहीं मिलेगी, जब तक लालच आ गया ना, जब तक आप दूसरों के लिए ना मांगोगे, सही बात, तब तक नहीं। पहले तो सबसे पहले दुआ मांगना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। अरे वाह। उसके बाद बात है, वही वही हमारे लिए भगवान है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। माँ बाप से बड़ा कोई हो सकता है क्या? अपने माँ को पहले खुश कर लो, बाकी तो माँ खुश होगी। मैं बताऊँ, माँ ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो जिंदगी बबल हो गई। हाँ सही बात। अरे वाह। नाराज हो गई तो क्या बात, जहन्नम हो गई। बिल्कुल। करोड़पति, करोड़पति हो जाओ फिर आपको। हाँ सही। अरे वही तो भगवान है, वही हमारे लिए भगवान है। माँ बाप ही तो भगवान है, जिसने जन्म दिया वही भगवान है हमारा। जिसने को जिसको नहीं देखा करता है ना, मांगो के लिए तुम दूसरे के लिए दे देगा तुमको, जिसको मांगोगे तो तुम दूसरे को दे देगा। जिसको नहीं देखा हमने कभी, भला उसकी जरूरत। और जब हम खाली अपने लिए मांगेंगे दुआएं तो हमें क्या, पहले तो अपने माँ बाप के लिए मांगो, उनकी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करो। ये मैं सुनूंगा खूब। आज आप बता दीजिए माँ बाप हम मर जाते हैं, मेरे माँ बाप को मरे
पे 25 पार हो गए, शायद ही महीने में कोई दिन ऐसा होता है जब मैं उनके लिए फांसियां पकड़ना चाहता हूँ। सिधाई दिखाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं। आप कह रहे हैं जो हरम पर है वही आगे आज के टाइम में सबसे पहले कोई अगर तड़प रहा हो रोड पे, अब आप क्या इधर पकाता है उसमें क्या होगा? मरे हुए लोगों पानी मांग रहे पानी पिला दीजिए। सही बात, हमारे यहाँ सही बात, पप्पू चेक है ना, नेकी करते हुए बात तो पप्पू चेक है, लेकिन बप कलयुग है ना, मेरा बना के खत्म कर दिया है। अपने नहीं करते हैं, आपको नहीं मालूम। हाँ लेकिन आएगी ये पानी पिलाए थे इसलिए। हाँ लेकिन जो फैजाबाद है, फैजाबाद से अच्छा कोई नहीं है। मैं मान आज भी आप को ये मालूम है कि लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, गोंडा हो, कई शहर हैं बाजू आजू बाजू के, कई शहर हैं, लेकिन फैजाबाद से फैजाबाद जैसा शहर कोई नहीं। देखिए मोहब्बत में भी हाँ, और रिलेशन में भी जी, सुविधा में भी जी, खाने पीने में भी जी जी, छोटा शहर भरू है, आपस में प्यार मोहब्बत भी। हाँ जितने यहाँ मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे फैजाबाद में। जितनी यहाँ की कहना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ के मकाजे हैं हमसे ज्यादा, वहाँ पे आप लोगों की कौम जाती है बिल्कुल, आप ट्राई करती है बिल्कुल, मानती है, उनको फायदा भी होता है जी जी जी, ये भी मैं बता रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगा तो एक वो है।